रोल। सर, कोरोना के बढ़ते तादाद को देख के आप नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया है, साथ साथ सेक्शन 144 भी इम्पोज किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन की, किस तरह की थी और कब तक ये नाइट कर्फ्यू और सेक्शन 144 रहेगा? हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमने मार्केट में और करगिल डिस्ट्रिक्ट में दो ऑर्डर्स इशू किए हैं। इसमें से एक नाइट कर्फ्यू का ऑर्डर है और सेकेंड जो है 144 का और रेस्ट्रिक्शन ऑन गैदरिंग्स का ऑर्डर है। तो जो पहला ऑर्डर नाइट कर्फ्यू का, उसमें हमने रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया है। अभी उसी को चेक करने के लिए मैं SP साहब और हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है यहाँ पे आए थे। यहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सारी दुकानें बंद थी और बहुत कम लोग जो है रोड पे थे, और जो भी थे वो मेडिकल इमरजेंसी और बाकी चीज़ों के लिए थे। इसके साथ ही जो दूसरा ऑर्डर है हमारा, उसमें हमने 4 से ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठे होने पर पाबंदी लगाई है, और उसके साथ ही जो गैदरिंग्स है, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, किसी भी किस्म की गैदरिंग हो, उसमें हमने लिमिट रखी है कि जो इनसाइड गैदरिंग होगी वो 25 से कम में और जो आउटसाइड होगी वो 50 से कम में, बट उसके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेना पड़ेगा उनको। तो ये हमको करना पड़ रहा है बिकॉज आप जानते हैं कि तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और करगिल में भी अगर बात की जाए तो केसेस बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं हमारे, और जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो हमें चाहिए कि इसका एहतियात बरते और जितने कम केसेस हो उतना कंट्रोल में रखे इसको। इसके साथ ही हमें कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो बंदे सोनमर्ग या वहाँ से आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, वो सैंपल देने के बाद घर जाने के बाद क्वारंटाइन में रहते हुए बाहर घूम रहे हैं, उनके लिए मैं स्ट्रिक्ट मैसेज देना चाहूँगा। अगर हमें पता चलता है कोई बंदा ऐसा बाहर घूम रहा है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, FIR लॉन्च की जाएगी और उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जाएगा। तो आपकी भलाई के लिए, परिवार वालों की भलाई के लिए, अपने दोस्तों की भलाई के लिए, जब तक आपका निगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक घर से बाहर ना निकले, क्वारंटाइन में रहे, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे, सो दैट हम कारगिल के आवाम को और कारगिल ज़िले को बचा के रखें। सर, जिस तरह से बाहर से लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग करगिल एंटर कर चुके हैं, तो उनके लिए, उनकी क्वारंटीन फैसिलिटी के लिए, आइसोलेशन फैसिलिटी के लिए इंतजामिया की तरफ से किस तरह की फैसिलिटी मुहैया की? दो चीज़, 15,000 अभी तक करगिल में नहीं है, अराउंड 10,000 है करगिल में, बाकी ले की पॉपुलेशन जो पीपल आए लो ले के है जी। इसके लिए क्वारंटाइन हमने स्टूडेंट्स के लिए रखा था, अभी के लिए आपको जानते हैं पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और यूथ हॉस्टल में हमने क्वारंटाइन बनाया था, वहाँ पर क्वारंटाइन में रखे थे बच्चे, और जिनका RT-PCR निगेटिव उनको छोड़ रहे हैं। चूँकि इस बार रोड से आने वालों का नंबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सबको 100% क्वारंटाइन नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी। और मीनामार्ग में भी टेस्टिंग सेंटर में हम एक ऑडियो क्लिप चलाते हैं जिसमें बताया जाता है कि सैंपल देखिए आप घर पे क्वारंटाइन रहे 2-4 दिन, जितना भी, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, और जब निगेटिव आता है तभी आप बाहर रहे, आइसोलेशन से बाहर निकले, सो दैट आप बचे रहे और आपके परिवार वालों को, दूसरों को भी बचा के रखे यहाँ पे। और खासकर जो लेबर्स को लेकर काफ़ी शिकायत आ रहा था मार्केट में, जब दुकानों पर हम जाते थे वहाँ पर लोगों की शिकायतें रहती थी कि टेस्ट से पहले वहाँ पर टेस्ट की रिपोर्ट मांगने के लिए वो लोग आ रहे थे, तो उसको लेकर किस तरह की जो है स्ट्रिक्टनेस? जी, लेबर्स का 2 ऑर्डर हुए इशू हमारे तरफ से भी, और ड्यूकॉम हमारे लद्दाख की तरफ से भी, कि जो भी लेबर बाहर से आने वाली है लद्दाख में, उनके पास RT-PCR निगेटिव होना ही चाहिए, उसके बिना हम अलाउ नहीं करेंगे। इसी सिलसिले में हमने बहुत सारे लोगों को मीनामर्ग से वापस भी भेजा, जो लेबर बिना RT-PCR निगेटिव के आ रही थी। कुछ लेबर है जो ग्रेफ के थ्रू आई हुई है, लेकिन किसी के पास RT-PCR निगेटिव था, और ये ऑर्डर होने से पहले कुछ आई है जो प्लेन से आई हुई थी, उनको हमने उनके क्वारंटाइन कैंप्स में भेजा है। ग्रेफ ने अपने अपने अलग अलग जगह पे क्वारंटाइन कैंप बना के रखे हैं जो पॉपुलेशन से दूर है, और उनको स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल के लिए हमने बोला है, और वहाँ से एक भी लेबर बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसा आप बोल रहे, मार्केट में कुछ लेबर आते हैं जो इंडिपेंडेंट बंदे हैं, जिन्हें हम ट्रैक नहीं कर पाते, जो कॉन्ट्रैक्टर के या मेड के थ्रू नहीं आते, बट उनको हम अब ट्रैक कर रहे हैं, और अगर वो बताते नहीं, अगर छुपाते इस बात को कि वो लेबर है और खुद ही आए हैं, या लोगों में आपस में मिलते हैं और इधर उधर घूमते हैं बिना मास्क के और बाकी चीज़ों के, तो उन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सर, खासकर जनरल पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आज से नाइट कर्फ्यू 144 और गैदरिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाया दिया गया? जी, मेरी आवाम से गुजारिश रहेगी, आप सारे लोग व्हाट्सएप देख रहे होंगे, टीवी देखते हैं, रेडियो देखते हैं, आप देख रहे हैं कितने स्पीड से हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं हिंदुस्तान में, अराउंड 4-4.5 लाख केसेस आते हैं रोज के, उसमें से भी अराउंड 4,000 डेथ हो रही है रोज की, तो ये बहुत ही डरावना सा मंजर है। तो अभी तक हमारा करगिल जिला बचा हुआ है और हम चाहते हैं कि इसको बचा के ही रखें, इसलिए आपसे गुजारिश रहेगी कि जो भी हम ऑर्डर इशू कर रहे हैं यहाँ से, वो आपकी भलाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो उसका सख्ती से पालन करें, COVID SOPs का पूरा ध्यान रखें, मास्क पहनने, बिना वजह बाहर ना घूमें। हमने बहुत बार देखा है कि मार्केट में लोग ऐसे घूमने आ जाते हैं, वो बिल्कुल ना करें, जब ज़रूरी है तभी मार्केट में आएँ। और जो हम सेक्शन 144 लगाया, उसके तहत हमने दुकानदारों को भी बोला कि अपने दुकान में मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 3 बंदे ही रखें, उससे ज़्यादा ना रखें, नहीं तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो आपसे गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे, COVID SOPs का पालन करें,
और हमारी आवाम को बचाने में हमारी सहायता करें। तो सर आखिर में सर आज की डेट में कितना एक्टिव केस है सर? कल शाम तक का हमारा जो आंकड़ा था मैंने शाम को बताया आपको, 212 एक्टिव केसेस थे। आज भी हमारे अराउंड 25 केसेस नए आए हैं और कुछ डिस्चार्ज हुए हैं, तो एट प्रेजेंट हमारा 215 का एक्टिव केसेस का आंकड़ा है। इसमें से बाकी होम आइसोलेशन में है, 8 लोग जो है वो कोविड हॉस्पिटल में एडमिट है, उसमें से 7 जो है वो ऑक्सीजन फ्लो पे है और एक जो NHPC का हमारा एम्प्लॉय है वो वेंटिलेटर पर है इस टाइम पे, वो क्रिटिकल कंडीशन में। थैंक यू सर।